धन्यवाद लक्ष्य। हाय, हेलो। कैसे आप लोगों को याद होगा दैट वी वर डूइंग दिस सितंबर 2020 पेपर, राइट? सो डू यू रिमेम्बर पेपर? हमने सिनेरियो मटेरियल रीड किया था, देन वी वेंट थ्रू द एग्जाम पेपर, वी डिस्कस्ड कि हमें क्या लिखना चाहिए, राइट? सो अगर आप लोगों को याद नहीं है, लेट्स जस्ट यू नो गो थ्रू इट। वील नॉट रीड द इंटायर मटीरियल अगेन, बट जस्ट एक बार उसका समरी कर लेते हैं। सो बेसिकली इट वॉज अबाउट सेल्स मशीन पीएलसी। दिस वॉज अ डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी एंड दे वर एक्चुअली इन टू सेल्स। इनके पास कस्टमर का डेटा रहता है। वॉट दे डू इज दे एक्चुअली डू द डायरेक्ट मार्केटिंग थ्रू टेली मार्केटिंग और ई मेल मार्केटिंग, एंड दे आर एंटरिंग इन टू अ पार्टनरशिप ज्वाइंट वेंचर विथ एबीसी इंश्योरेंस, एंड दे आर प्लानिंग टू सेल अ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विच इज नोन एज एबीसी फैमिली फ्यूनरल प्लान। एंड यहाँ पे देयर वर द रीजंस गिवन दैट वाई आर दे प्लानिंग टू एंटर इन टू अ इंश्योरेंस सेक्टर, बिकॉज दीज वर द थ्री रीजंस विच द सीईओ ऑफ आई थिंक इट वॉज अ सीईओ, यस द सीईओ ऑफ दिस पर्टिक्युलर कंपनी इज गिविंग दैट द फर्स्ट रीजन इज दैट द मास प्रोडक्ट The mass market, they are actually, there's a strong demand for simple insurance offerings. And at the same time, for the customers aged 20 to 40, the existing products are very complex. So they want it to be really simple, and the supply should be, and the sales basically should be quick, simple, and straightforward. Similarly, the vulnerabilities of their current business model is that if there is a downfall in the consumer spending because of economy not doing well, तो उनकी उसकी वजह से they will lose a lot of their business, because 90% of their revenue which they generate each month is actually a result of a new business generated. Also, lastly, third part था हमारा that the third point which he gave was that the management or at the sales machine are eager to diversify. 45% revenue is from the two selling products, so they want to diversify. So these are the three reasons which he gave. और फिर यहाँ पे प्रोडक्ट के सारे स्पेसिफिकेशंस दिए हुए थे. देन इफ यू ऑल रिमेम्बर दैट वी हैड अ एक्सेल शीट ऑल्सो. एक्सेल शीट वॉज दिस वॉज द एक्सेल शीट विच वी हैव. Yeah, this was the Excel sheet which we have यहाँ पे, and they also gave us यहाँ पे कि उनको जो marketing committee है, their remuneration and bonuses depend upon the quarterly profits before tax, monthly sales volume, revenue and profit margin. तो ये हम लोग को सब दिया हुआ था in the scenario. We also read the question. Question में actually it was again a letter. This letter was from the ABC insurance के साइड से था, जहाँ पे हम लोग we are the product actuary, I am the product actuary, and they are at ABC insurance, and हमारा I think who was it? You are attending a meeting in the coming week. You have received an email from your manager. So we have received a mail from a manager, head of products. उसके मेल में व्हाट आर दीज कंसर्न्स, दिस दीज कंसर्न्स वी हैव टू लुक इनटू, राइट? तो उसका कंसर्न ही कुछ कुछ यहाँ पे ये था. द वेरी फर्स्ट कंसर्न वाज दैट जो हमारा बिजनेस, जो हमारा पूरा ड्राफ्ट होगा, जो सेल्स स्क्रिप्ट होगा, दिस सेल्स स्क्रिप्ट में उसको कुछ चेंजेस चाहिए. ही वांट्स सम चेंजेस इन दीज सेल्स स्क्रिप्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर नो प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चंस बिफोर यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट. ऑल्सो 24 आवर्स का सेटलमेंट है, 24 आवर्स का क्लेम सेटलमेंट है. सो इन दैट 24 आवर्स इट इज़ अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन विच यू कैन एक्चुअली सिट डाउन एंड चेक वेदर द क्लेम इज एलिजिबल और नॉट. इट इज एलिजिबल और नॉट, तो इसकी वजह से ही हैज
मेड सम चेंजेस इन ही वॉन्ट सम चेंजेस इन द सेल्स स्क्रिप्ट. वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम कुछ प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चंस ऐड कर दें तो उसके वजह से द लैप्स रेट विल रिड्यूस फ्रॉम 10% पर मंथ टू 5%, पूरा हाफ हो जाएगा. सो ही वॉन्टेड टू इंक्लूड 5 मेडिकल क्वेश्चंस बेसिकली. तो यहाँ पे ये जो प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चंस है, इन प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि वेदर देर आर सम प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस और नॉट, अगेन वेदर द पर्सन एक्चुअली वॉन्ट्स द प्रोडक्ट एंड विल द पर्सन, सो बेसिकली फिनेंशियली उसको वो चाहिए कि नहीं वो प्रोडक्ट. ऐसा नहीं कि उसने बस ले लिया एंड देन लेटर ऑन उसने सोचा कि उसे नहीं चाहिए एंड सो द पर्सन इज एक्चुअली विड्रॉइंग द पॉलिसी. तो ये सारा इस 5 बेसिक क्वेश्चन से आ जाएगा, प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चन से. दीज देन विद आर टारगेट ऑफ 24 hours टर्न अराउंड टाइम टू फाइनलाइज क्लेम्स, वी डोंट हैव सफिशियंट टाइम टू स्क्रूटनाइज एंड एवरीथिंग. आई एस्टिमेट दिस विल इम्प्रूव द लॉस रेशियो. सो दिस विल इम्प्रूव द लॉस रेशियो फ्रॉम 70% टू 50%. सो बेसिकली दो चीजें वो बोल रहा है. एक पहला इज प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चन की एक्चुअली फाइनेंशियल नीड है क्या कंज्यूमर को, इसके वजह से द लैप्स रेट विल डिक्रीज. सेकेंडली 5 मेडिकल क्वेश्चन पूछेंगे ताकि वील रिड्यूस आर लॉस रेशियो. एंड वॉट वॉज द लॉस रेशियो? द लॉस रेशियो इज क्लेम्स बाय क्लेम रेशियो बाय योर प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम विच यू आर गेटिंग एंड द क्लेम्स विच यू आर पेइंग. These two, iske wajah se the sales will reduce from 10%, so conversion rates will reduce from 10 to 8. Ye bhi ek cheez hai, and also kyunki hamara jo sales script hai wo increase hoga. So amount of time spent per call will also increase. To uske wajah se the expenses will increase. That is what is mentioned yahan pe ki monthly expense will increase. अब उसने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिया है कि वो क्या 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चंस. ये 5 क्वेश्चंस है एंड इसकी वजह से 2.5 मिनट्स इंक्रीज होगा मेडिकल क्वेश्चंस की वजह से एंड प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चन की वजह से. सो दिस इज द टोटल टाइम टेकन फॉर अ कॉल, इन अ पर्टिकुलर कॉल. एंड देन क्वेश्चन था कि ड्राफ्ट अ मीटिंग पेपर फॉर अ मार्केटिंग कमिटी टू एक्सप्लेन द merits of the proposed changes. Now you actually have to draft a meeting paper. Meeting paper is basically a simple what do you call, ekdam basic letter jaisa hota hai jo hum log draft karenge for the upcoming meeting. The upcoming meeting will be between the ABC Limited and Sales Machine jo hai, to in dono ke beech mein hoga. And we have to address the marketing committee of Sales Machine PLC. And we actually have to tell them about the advantages ki kyun jo hum propose kar rahe hai changes in the script, why are these changes good and why should they actually include these changes. So ye hame pura unko samjhana hai, considering ki unko kuch bhi insurance ka background nahi hai, because yahan pe diya hua tha marketing committee mein kon kon hai. So they don't have any kind of someone or the other, they have some financial knowledge, but sabko nahi hai financial knowledge. Firstly, secondly, sab log itne insurance term se relate nahi karte. So this was the entire paper which we have, and now today we'll start writing a pura word file hum log banayenge, and we'll start actually writing the entire paper. I want you all to interact, and jo bhi aap log ko lagte you all add the points over here. So what we'll do is we'll actually solve one paper, September 2020 ka paper hum log pura ek baar solve karenge. आज की क्लास एंड नेक्स्ट क्लास, टू क्लासेस और लगेंगे. वी विल सॉल्व सितंबर 2020 पेपर एंड देन व्हाट वी विल डू इज वी विल सॉल्व ऐसे एटलीस्ट 2-3 पेपर्स वी विल सॉल्व इन क्लास पूरा एंड देन यू ऑल कैन यू नो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द पेपर्स ऑन योर ओन, सो दैट वी कैन देन जस्ट डिस्कस द पेपर इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द पेपर पूरा. क्योंकि एक बार में इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू सिट डाउन एंड स्टार्ट टाइपिंग CP3, राइट? ओके, सो ठीक है. तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर मैं फॉर्मेट शेयर करती हूँ. सारे का फॉर्मेट ड्राइव पे अपलोडेड है. आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप एज वेल. तो मीटिंग पेपर, सारे जो पेपर्स होते हैं ना, मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे, आई विल जस्ट ओपन अप. इफ यू आर रिमेम्बर, मैंने फर्स्ट क्लास में एक चीज शेयर किया था, सबसे एक पूरा टेबल शेयर किया था मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो मैं एक बार देख लेती हूँ. ओके, दिस वाज़ द पेपर.
ठीक है, सो दिस वॉज द टेबल विच वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास. सबसे पहला होता है, इट शुड बी प्रॉपरली एड्रेस होने चाहिए. एड्रेस दोनों के होने चाहिए, सेंडर के एंड रिसीवर के. सूटेबल टाइटल शुड बी देयर, डेट शुड बी देयर. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी देयर नो मैटर इफ यू आर राइटिंग अ मीटिंग मीटिंग पेपर और यू आर प्रिपेयरिंग सम लेटर, ईमेल, कुछ भी हो. ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें हो. सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी राइट इज जो सेंडर है, जो सेंडर है उसका, एंड इफ इट्स फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे हम लोग कंपनी के कैपेसिटी में सेंड कर रहे हैं अपना लेटर और मीटिंग पेपर. वी आर प्रेजेंटिंग फ्रॉम द कंपनीज कैपेसिटी. बहुत बार होता है यू आर सेंडिंग इट ऑन योर ओन, यू आर ऑन योर ओन, मे बी यू आर अ कंसल्टेंट and you are preparing a meeting paper. So in this case, me, you will just write the address. But when you are sending it from a company's point of view, then you give the company's letterhead and the company's address. So we can write ABC Insurance. ठीक है, ABC Insurance. And यहाँ पे I'll write company letterhead. This is very important, and address. कंपनीज एड्रेस एंड कंपनीज लेटर हैड. अब ये क्या है ना, बहुत बार लेट अस नॉट गिव एनी स्पेसिंग. ओके, सो यहाँ पे ये जो लिखा ना मैंने, इवन इफ द एड्रेस इज गिवन, यू कैन राइट द एड्रेस ऑफ द कंपनी. सपोज एबीसी का कहीं ना कहीं हमें एड्रेस दिया हुआ है इन द क्वेश्चन पेपर. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज गिवन, आई डोंट थिंक इट इज गिवन, बट अगर इवन इफ इट इज गिवन, हमें कहीं ना कहीं पे अगर दिया हुआ है भी, तो भी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप लोग उसको लिखो. यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे राइट दिस विद इन दीज ब्रैकेट्स सो दैट इट्स अंडरस्टूड कि हाँ, यहाँ पे कंपनी का लेटर हेड जाएगा और कंपनी का एड्रेस जाएगा. दैट्स इट. दिस डज नॉट मीन कि अगर दिया हुआ है दे विल डिडक्ट द मार्क्स, दे विल नॉट डिडक्ट द मार्क्स. यू जस्ट मेंशन कंपनी लेटर हेड, जस्ट राइट कंपनी लेटर हेड एंड एड्रेस. ये ऑटोमेटिकली ये मीन करता है दैट यू आर गोइंग, यू आर सपोज टू राइट द लेटर हेड एंड एड्रेस, इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग स्पेसिफिकली क्या है. ठीक है, नेक्स्ट इज रिसीवर का, विच इज सेल्स मशीन. अगेन हम लोग एक कंपनी को ही एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्स मशीन पीएलसी था, क्योंकि हम लोग एक मीटिंग पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द मार्केटिंग कमिटी, सेल्स मशीन, राइट. सेल्स मशीन के मार्केटिंग कमिटी को हम एड्रेस करने वाले हैं, एंड यहाँ पे भी वील मेंशन द कंपनी एड्रेस. यहाँ पे इनका लेटर हेड देने का कोई मतलब नहीं है. सो वील स्ट्रेट अवे राइट कंपनी एड्रेस. ना यहाँ पे क्या होता है ना कि सिंस दिस इज अ मीटिंग पेपर, मीटिंग पेपर यानी कि दिस इज अ पेपर विच यू विल प्रिपेयर, एंड ड्यूरिंग द मीटिंग यू आर सर्क्यूलेटिंग दिस पेपर टू ऑल द मार्केटिंग कमिटी के मेंबर्स जो मीटिंग में रहेंगे, एंड यू आर रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग इट आउट लाउडली. तो इन दिस केस अगर आप कंपनी लेटर हेड मतलब इसको एक्सक्लूड करना चाहते हो, डज नॉट, it will not matter much, you can exclude the letterhead, but the address should obviously be there, right? If you're writing a letter, if you're writing a mail, then the letterhead should be always there, right? So letterhead, agar hum yahan pe exclude karna chahe, to hum exclude kar sakte hain. Why? Because this is a meeting paper. If you're writing a letter mein the letterhead should always be there, right? तो ये इफ यू ऑल वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट ऑफ दिस, ये आप लोग कर सकते हो, बिकॉज इट इज अननेसेसरी कि यहाँ पे हम वन मार्क लूज करें. दिस इज समथिंग विच वी कैन इजीली स्कोर वन मार्क ऑन. एंड देन वी गिव द डेट. अगेन यू कैन आइदर मेंशन द डेट लाइक दिस, राइट, और यू कैन मेंशन द डेट ऑन विच यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन. सो सपोज वी आर राइटिंग इट ऑन 14th, तो मैं 14th लिख देती हूँ. और वॉट यू कैन डू इज, जब भी आप एग्जाम दोगे अप्रैल में, यू कैन राइट द एग्जाम डेट. और यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, जस्ट डेट. ठीक है, दोनों चलेगा, दोनों विल वर्क. सो आई जस्ट, आई प्रेफर गिविंग द डेट ओनली. सो इट इज 14th November. अगर आप डेट भी देते हो तो ऐसे देना पड़ेगा, 14th November 2021. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल गिव द डेट. दिस शुड बी इन द सबस्क्रिप्ट, राइट. सो दिस इज हाउ वी गिव द डेट. नाउ बहुत जगह क्या देखोगे दैट दिस इज लेफ्ट राइट अलाइंड. सो इन मेनी प्लेसेस, इन मेनी
एग्जाम्स पेपर, एग्जाम पेपर जो इन लोग रिलीज करते हैं, व्हाट दे डू इज दे राइट इट ओवर हियर, लाइक इसको यहाँ पे दे कीप दिस राइट अलाइंड एंड यहाँ पे लिख देते हैं. काफी बारी दे डू दिस, ठीक है. सो दे ऑल्सो राइट इट हियर, यहाँ पे भी लिख सकते हो या फिर नीचे भी लिख सकते हो. आई प्रेफर टू कीप एवरीथिंग राइट अलाइंड. It's again up to you. You can do it both ways. Just that all of these things should be there. All of these things should be there. You're getting your marks on the basis of whether these things are there in your paper or not. Clear? Now, whenever you are writing a meeting paper, एक बहुत important चीज हम लिखते हैं. Title तो हमें देना ही है, right? Title पे we have this marks, one marks. Title पे हमेशा one marks रहता है. ये suitable title पे हमेशा पूरा वन मार्क रहता है. दैट वी विल गिव, बट सिंस दिस इज अ मीटिंग पेपर, यू ऑल्सो राइट समथिंग कॉल्ड एज अटेंशन. ये आप लोग काफी सारा पास पेपर्स में देखोगे, अटेंशन. एंड देन यू राइट होम यू आर एड्रेसिंग द मीटिंग पेपर टू. सो वी आर एड्रेसिंग द मीटिंग पेपर टू मेंबर्स ऑफ द सेल्स मशीन मार्केटिंग कमिटी, राइट. ये हमें लिखना है. दिस कैन बी मेड एज, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं. दिस इज वॉट वी हैव टू डू. ये इम्पॉर्टेंट चीज होता है, क्यों? बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली, बिकॉज सिंस इज अ मीटिंग पेपर. अगेन अगर ये लेटर होता तो हम नहीं लिखते लेटर में, बिकॉज हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्टली टू समवन, जैसे डियर सर, डियर मिस्टर एलेक्स, डियर मिस्टर, जो भी जिसको भी हम लोग एड्रेस, लेटर इज जनरली एड्रेस टू वन पर्सन. तो उसमें हम लोग लिखेंगे डियर मिस्टर एलेक्स, या जिसको भी हम एड्रेस करें, डियर मिस्टर, डियर मिस, डियर मिसेस, व्हाटएवर इट इज. बट या फिर डियर ही जनरली वी राइट, कभी कभी रिस्पेक्टेड लिखते हैं, बट जनरली वी राइट डियर. दिस इज वन थिंग. सेकेंड थिंग, अगर ईमेल आता है, ईमेल आता है तो ईमेल में एनीवेज इस तरीके से हम लिखते हैं, फ्रॉम एंड टू. ईमेल में एनीवेज यहाँ पे आता है फ्रॉम एंड टू, तो उसमें समझ में आ रहा है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हो. बट इन अ मीटिंग पेपर यू कैन नॉट राइट डियर समथिंग. मीटिंग पेपर एज आई मेंशन्ड इज अ पेपर व्हिच यू विल सर्कुलेट टू ऑल द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड यू विल रीड इट आउट लाउडली. तो उसमें लिखना है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हो. सो वी राइट इट लाइक दिस. दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट व्हिच IFOA फॉलोस, राइट. IAM में भी सेम है. यू ऑल वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग टिल हियर? क्लियर है? Now the next thing will be the title, a very suitable title which we have to give. Now you all, suitable title ka one mark hota hai, unnecessarily nahi lose karna hame. Title should be well elaborate. Aisa zaruri nahi ki aap 3-4 words ka likho. Aap aram se 6-7 words ka you can write the title. But it should be very self-explanatory ki padh ke samajh mein aa jana chahiye that what is written in your letter, what is written in your email, what is written in your meeting document. It's very very important that you give a very very nice title. And bahut bar what we do is you start by writing a title, and then later on, maybe after, you know, you've written the title, you have written all the pura meeting paper, aapne likh liya, draft kar diya, and uske baad maybe you can come down and you can decide to change the title. To wo cheez chalte hai, but initially do start by writing a title. Kyunki agar ek title aap likhte ho to mind mein there is some clarity that what you have to actually, you know, how you have to move ahead. So Chaitanya and Lakshya, you all suggest ki kya title hum log likh sakte hain yahan pe. Title summary type hona chahiye kya? Summary in the sense, नहीं, title in the sense it should be a, जैसे एक book का title होता है, तो वैसे एक, जैसे एक article का title होता है, वैसे title देंगे हम इसको, but आप उसको 6-7 words में use कर सकते हो, लिख सकते हो. It should be very self, like it should be very self-explanatory. सबसे पहले तो what are we trying to do? We are trying to propose changes in our sales script, right? We are trying to do that. तो ये कहीं ना कहीं mention होना चाहिए in the title. ऑल्सो कि आप किस चीज के लिए टाइटल दे रहे हो. इट इज रिलेटेड टू योर इंश्योरेंस, ABC इंश्योरेंस फ्यूनरल प्लान. सो आइदर यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे राइट चेंजेस इन द प्रपोज्ड सेल्स स्क्रिप्ट, और थोड़ा और इसको इलैबोरेट करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा
इंश्योरेंस प्रोडक्ट का जो भी नाम है वो पूरा लिख के आप बोल रहे हो चेंजेस इन द प्रपोज सेल्स स्क्रिप्ट. सो यू कैन गिव बोथ वेज, राइट? सपोज आई एम राइटिंग एबीसी फैमिली एंड इट इज ऑब्वियसली वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने फर्स्ट पेपर में बता पाओ फ्यूनरल इंश्योरेंस प्लान था नाम इसका, आई थिंक यही था, एक बार जस्ट चेक कर लेती हूँ. दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव पेपर ना, आप इसमें कुछ भी लाइक यू माइट हैव कम विथ अ डिफरेंट टाइटल, बट वो अगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम. एबीसी फैमिली फ्यूनरल इंश्योरेंस प्लान, इंश्योरेंस प्लान, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चेंजेस इन प्रपोज्ड सेल्स स्क्रिप्ट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग. इसको हम सेंट्रली अलाइन कर देते हैं बिकॉज दिस इज अ टाइटल. इसको बोल्ड करके अंडरलाइन भी कर सकते हो जस्ट टू यू नो, एंड इसका इफ यू वॉन्ट यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1. तो ये पूरा हमारा टाइटल हो गया, कैपिटल एस कैपिटल एस भी दे सकते हैं बिकॉज दिस इज अ टाइटल. सो ऑल ऑफ नाउ द चैतन्य यू आर कमिंग विद समथिंग एल्स टाइटल. No, I thought that it's, yeah, this is also good, but I was thinking of a statement, something like changes in the proposed insurance program. Instead of writing the plan name, we can just generalize it and write it like changes in the proposed plan. ठीक है, बट प्रपोज्ड प्लान मत लिखो बिकॉज यू आर चेंज मेकिंग चेंजेस इन द सेल्स स्क्रिप्ट. जो स्क्रिप्ट ये बहुत, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. इस पूरे टाइटल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रपोज सेल्स स्क्रिप्ट ये मेंशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर चेंजेस भी नहीं लिखो, ये सब नहीं लिखो, चलेगा. आपको मे बी 0.5 मिल जाए, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल्स स्क्रिप्ट. पूरा लेटर विल बी, पूरा मीटिंग पेपर इज ऑल अबाउट सेल्स स्क्रिप्ट, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूरा, फिर बाकी सारा आप उसको हटा सकते हो. लाइक यू कैन राइट प्रपोज सेल्स स्क्रिप्ट ऑफ एबीसी फैमिली फ्यूनरल प्लान, और यू कैन राइट प्रपोज सेल्स स्क्रिप्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कुछ भी वैसे. बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का पूरा पोर्शन. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वील बी स्टार्टिंग विथ इज हमारा, हाँ, नेक्स्ट थिंग वील बी स्टार्टिंग विथ इज इंट्रोडक्शन. तो ये नॉट इंट्रोडक्शन एग्जैक्टली, आप इसको बोल सकते हो स्टार्टिंग ऑफ द पेपर. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक चीज देते हैं जो कि जिसको हम लोग साइन पोस्टिंग बोलते हैं, फॉरवर्ड साइन पोस्टिंग. नाउ यहाँ पे व्हाट वी डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी से, यहाँ पे तीन चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, when we are writing this grouping of the ideas, जो first paragraph होता है ना उसमें जाता है चार चीज जाते हैं. सबसे पहला is whom you are writing, who is preparing this paper, who has prepared this paper, this is first thing. Second thing, whom are you addressing this paper to. Third is कि आप इस paper में क्या लिख रहे हो. ठीक है, तो ये तीन चीज है which goes बिफोर इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, या फिर बिफोर एग्जीक्यूटिव समरी. काफी जगह हम लोग एग्जीक्यूटिव समरी भी आगे देखेंगे होता है. सो बिफोर एन इंट्रोडक्शन और बिफोर एन एग्जीक्यूटिव समरी, वी गिव दीज थ्री थिंग्स टूगेदर इन अ पैराग्राफ फॉर्म. हु हैज प्रिपेयर्ड द पेपर, टू हुम द पेपर इज बींग एड्रेस्ड, एंड थर्डली कि इस पेपर में आप क्या लिखने वाले हो. सो नाउ यू ऑल टेल मी कि आप इसको कैसे लिखोगे, मतलब कैसे. दिस विल बी जस्ट टू थ्री लाइन्स, हाउ विल यू फ्रेम दिस. So we can write this paper is prepared by me. उसका हमारा नाम हमें देना पड़ेगा obviously. So we are A Smith, Alex Smith. We are Alex Smith and we are the product actuary. So we'll say that this paper has been prepared by Alex Smith, product actuary at ABC Insurance, and is addressed to the members of the Sales Machine Marketing Committee. ये दो चीज हो गया. Now the next thing is what you are trying to mention, or you are actually meeting paper में क्या होता है ना, बहुत बार introduction में
इंट्रोडक्शन के पहले यू जस्ट गिव कि मीटिंग किस बारे में है, या फिर एक ओपनिंग लाइन दे सकते हो. जैसे यहाँ पे इट्स अ जॉइंट वेंचर, राइट? इट्स अ जॉइंट वेंचर, तो यहाँ पे यू कैन मेंशन दैट यू आर, यू नो, वेलकमिंग, यू आर एक्साइटेड फॉर दिस न्यू लॉन्च विच इज हैपनिंग, न्यू जॉइंट वेंचर, एंड यू आर ग्लैड टू वेलकम देम एज योर पार्टनर्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू अ न्यू एम्प्लॉई, ऑलवेज मेंशन दैट यू आर हैप्पी टू वेलकम देम. ठीक है, यू आर ग्लैड टू वेलकम देम टू द कंपनी. यहाँ पे यू आर वेलकमिंग देम एज योर पार्टनर्स, तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट दिस लाइन. अगेन ये सारे लाइन्स का मार्क्स मिलता है आप लोगों को, राइट? ये दिस इज नोवेयर रिटन इन एन एग्जाम पेपर कि आपको ये सब लिखना है, बट दिस इज समथिंग विच यू हैव टू राइट बिकॉज इट्स अगेन अ कम्युनिकेशन विच यू आर मेकिंग. तो यहाँ पे वॉट वील स्टार्ट बाई राइटिंग इज, ये हो गया. अब बहुत बार आई शो यू ऑल, दो चीजें करते हैं. आपने यहाँ पे स्टार्टिंग दे दिया एंड देन यू गिव द इंट्रोडक्शन, यू राइट इंट्रोडक्शन सब हेडिंग एंड उसके अंदर आप पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि वॉट फॉलोज इन योर पेपर. दिस यू कैन डू, और यू कैन, वॉट यू कैन डू इज ये पूरे चीज को एक साथ लिख सकते हो. लाइक वॉट आई सेड राइट नाउ, यू आर वेलकमिंग एंड एवरीथिंग, एंड द सेकेंड पैराग्राफ में यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि आपने अपने पेपर में आप क्या लिखने वाले हो. सो दिस टू वेज यू कैन डू, बोथ द वेज यू कैन डू, बोथ आर एक्सेप्टेबल. दोनों पे आपको फुल मार्क्स मिलेगा. जस्ट दैट दीज पॉइंट्स शुड बी देयर इन योर पेपर. So we will write that this paper, you all can also write it with me, because see, unless and until you start get into this habit of typing, aap logo ko kabhi wo habit nahi padega, fir aap log nahi likh paoge. So I will suggest you get into this habit of, you know, typing with me. This paper has been prepared, and iske baad main aap logo se hi puchungi, Alex Smith, who is the product actually at ABC Limited Insurance, ABC Insurance, ABC, ABC Insurance, and is addressed to members of Sales Machine PLC Marketing Committee. Right? Phir, we can write that we at ABC Insurance are excited for the launch of the new joint venture with Sales Machine PLC and are glad to welcome you as your partners. Glad to welcome them as our partners. ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक ओपनिंग लाइन जो हम लोग देते हैं. ये कोई भी एक पेपर में जाएगा. लाइक इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू अ पॉलिसी होल्डर हु इज अपसेट विद द प्राइसिंग विच यू हैव डन फॉर द प्रोडक्ट, तो आप उसको स्टार्टिंग में ऐसे एक अच्छा सा लाइन लोगे कि यू नो दे अंडरस्टैंड दैट यू आर अपसेट और यू आर नॉट हैप्पी विद द प्राइस कोड दैट वी हैव गिवन यू, बट आई अश्योर यू that the price we have stated is absolutely correct and at the market par and at par with the market. So aisa kuch bhi, just ek opening line so that when you read it you feel good, right? Jo bhi hamara jisko hum communicate kar rahe hain, the person when reads that, the person feels nice, just that. To ye bahut important hota hai, ye line in all the papers you write, whether it's a mail or whatever it is, right? So this is very important that you do this. और वो सब जो हम लोग लिखते हैं ना अपने मेल में, आई होप यू आर डूइंग गुड, आई होप एवरीथिंग इज फाइन इन दीज सिचुएशंस, ये सारा हम लोग नहीं लिखेंगे. दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सेप्टेबल. तो ये मत लिखना कभी भी दैट आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स अवॉइड करो थोड़ा, बट ट्राई टू रिलेट इट टू द कंटेंट एंड उसके अराउंड में कुछ बोलो. ठीक है, सो यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू यू नो कनेक्ट विद दिस जॉइंट वेंचर एंड वी आर ट्राइंग टू यू नो जस्ट से वी आर हैप्पी विद दिस न्यू वेंचर एंड
ऐसा पूरा, ठीक है, न्यू जॉइंट वेंचर भी लिख सकते हैं इधर, राइट। इसमें कुछ पूछ रहे हैं, नाउ व्हाट वी डू इज, ये हो गया तीन चीज हमने लिख दिए, हु इज ट्राइंग टू राइट द पेपर, किसको एड्रेस हो रहा है, स्टार्टिंग लाइन, एंड फोर्थ इज वी मेंशन कि क्या है हमारे पेपर में। सो आइदर यू कैन जस्ट स्टार्ट स्ट्रेट अवे स्टार्ट राइटिंग इट फ्रॉम हियर, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ न्यू सबसेक्शन, ये सबसेक्शन नहीं काउंट होगा, ठीक है, दिस इज अ बेसिक थिंग, दिस ये सबसेक्शन नहीं काउंट होगा। आप यहाँ तो यहाँ पे ऐसे लिख दो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, एंड देन यू जस्ट यू नो अंडरलाइन एंड बोल्ड कर देते हैं इसको, या फिर सम पीपल जस्ट अंडरलाइन इट, सम पीपल ऑल्सो चेंज इट टू बोल्ड एंड दे डोंट अंडरलाइन, कुछ भी जस्ट टू यू नो हाईलाइट। आई ऑलवेज सजेस्ट कि इसको बोल्ड रखो, क्योंकि बोल्ड करने से वो दिखता है, आप अंडरलाइन करते हो तो भी वो इतना दिखता नहीं है, बट अगर आप बोल्ड रखते हो तो वो दिखता है ठीक से। सो इन इंट्रोडक्शन व्हाट कैन वी राइट, यहाँ पे व्हाट वी शुड राइट इज कि हम अपने पेपर में पूरा क्या लिखने वाले, सो इट शुड बी अबाउट कि हमने पहले तो आप ऐसे भी एक इंट्रोडक्शन जैसा दे सकते हो कि ABC फ्यूनरल प्लान जो है ये बहुत ही सिंपल हमने रखा है, दोनों कंपनी साथ में विल सेल बोथ सेल दिस प्रोडक्ट, बोथ द कंपनीज विल सेल द प्रोडक्ट। Now you have to straight away move to what are the concerns कि आप ये पेपर क्यों लिख रहे हो, राइट। सो आपके एग्जाम पेपर में देर आर टू कंसर्न्स, अगर आप लोग को याद है, एक ये प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चन फाइनेंशियल नीड वाला और ये। सो नाउ यू ऑल थिंक फॉर टू मिनट्स एंड यू ऑल टेल मी हाउ वी कैन पुट दिस इन वन लाइन, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन विच यू आर गिविंग कि आपके लेटर में अब आगे क्या होने वाला है, right? So just think for 2 minutes. You can write 1 or 2 lines about it. Just let me know कि क्या लिख सकते हैं अपने. Like you can start by saying कि दो concern है हमारे. पहला ये और दूसरा ये. And then elaborate कर दो. बस एक-एक line लिखना है. फिर हम लोग उसके अंदर पूरा obviously लिखने वाले हैं. But this is just an introduction which we'll give. And you all can use some of the words यहाँ से, जैसे ABC insurance product का क्या लिखा हुआ था, that this is a very simple product, yet it is very relevant, right, to the people who are there. तो ये एक चीज था mentioned, that it's a simple, straightforward product. तो आप ये सब words use कर सकते हो, फिर यहाँ पे जो भी concerns हैं आपके, आप इस concerns को लिख सकते हो। एंड ये कंसर्न्स किसने पुट फॉरवर्ड किया है, ये कंसर्न्स पुट फॉरवर्ड किया है मैनेजमेंट ने, राइट। तो ये आपको आप ये भी लिख सकते हो, योर मैनेजर हैज आस्क्ड यू टू डू दिस, सो यू कैन जस्ट स्ट्रेट अवे राइट, आइदर यू कैन राइट यू नो वी एट ABC हैव दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, या फिर वी हैव दीज टू मेजर कंसर्न्स, या फिर आप लिख सकते हो मेजर कंसर्न्स आर पुट फॉरवर्ड बाय द मैनेजमेंट एट ABC, वट एवर। एंड आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली ये भी लिखना होता है कि इन द इंट्रोडक्शन ऑलवेज राइट समथिंग विच विल इंटरेस्ट द लिसनर टू मूव अहेड। तो आपको यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा कि ये जो चेंजेस हैं इनके वजह से क्या इंक्रीज होगा, द सेल्स मशीन मार्केटिंग कमिटी के जो लोग हैं दे आर इंटरेस्टेड इन द रेवेन्यू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि दिस थिंग्स विल लीड टू इंक्रीज इन योर टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ताकि दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लेटर, टुवर्ड्स द प्रपोजल्स विच यू विल पुट फॉरवर्ड अहेड। एनीवन चैतन्य ट्राई करूं।
Can we write like we at ABC have come up with some of the changes in the particular plan that is there, and why are these changes being made? I'm just giving a gist of what can we write, and why are we making नहीं, these changes? why are we making these changes, ये तो बाद में आएगा, दिस विल नॉट कम इन इंट्रोडक्शन. तो हाँ, ये बोल सकते हो दैट या एंड अगेन डोंट से प्लान, से सेल्स स्क्रिप्ट, क्योंकि हम लोग को स्पेसिफिकली सेल्स स्क्रिप्ट जो है, जो स्क्रिप्ट जो टेली मार्केटिंग वाले लोग होंगे जो बोलेंगे फोन में, वो उस पे चेंज चाहिए हमें. तो वो एक चीज हमें बोलना है दैट कि हाँ, वी आर यू नो प्रपोजिंग अ चेंज इन दिस. वी हैव टू मेजर कंसर्न्स एंड दीज चेंजेस विल इंक्रीज द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्यों हम बोल रहे हैं ये वाला चीज, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केटिंग कमिटी के जो लोग हैं उनका रेवेन्यू इज बेस्ड अपॉन, जो उनका सैलरी एंड बोनस है दैट इज बेस्ड अपॉन द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. तो अगर हम उनको ऐसे बोलें कि रेवेन्यू हमारे चेंजेस की वजह से इंक्रीज होगा, सो दे विल बी इंटरेस्टेड नॉट टू नो कि हाँ क्या क्या चेंजेस है बताओ. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हम लोग बोले. सिमिलरली सपोज एक पॉलिसी होल्डर होता, अगर उसको एड्रेस कर रहे होते उसका ही इज अपसेट विद द प्रीमियम चार्ज, तो उसको हम लोग ऐसे बोलते कि हमारा जो प्रीमियम चार्ज है वो एट पार विद द मार्केट है एंड वो करेक्ट है, राइट. सो दिस इज, तो ऐसा कुछ ताकि उसको लगे कि हाँ मतलब हम सही हैं. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ राइट. तो वो चीज एक आपको समझाना है इधर, राइट. तो यहाँ पे वी कैन राइट दैट एबीसी, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ. फ्यूनरल प्लान नहीं था लिखा हुआ क्या? ठीक है. सो फैमिली, हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि एबीसी फैमिली फ्यूनरल प्लान. पहले तो ऐसे लिख देते हैं, इट इज अ सिंपल येट रेलेवेंट प्रोडक्ट विच इज क्रिएटेड एंड सोल्ड बाय बोथ ऑफ अस. ये एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम उनको, जस्ट स्टार्टिंग लाइन्स बोल रहे हैं. एंड देन वी कैन से कि हमारे टू कंसर्न्स हैं विच आर पुट फॉरवर्ड बाय द एबीसी इंश्योरेंस एंड इट इज अबाउट टू चेंज. एंड ये जो कंसर्न्स है, दीज कंसर्न्स विल एक्चुअली लीड टू अ चेंज इन द प्रपोज सेल्स स्क्रिप्ट विच इज टू बी यूज बाय डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंट्स टू द कंज्यूमर्स ओवर द टू द कस्टमर्स ओवर द टेलीफोन. And then we can say that these changes are believed to increase not only the revenue but also the profit before tax. तो ये एक introduction हो जाएगा जिससे you know interesting लगेगा to the people also that okay कहीं ना कहीं कुछ अच्छा है in the paper, right? अब ये ओके आप जैसे कि आई हाँ हैव अ स्टेटमेंट कि फॉर एग्जांपल वी कैन राइट लाइक दिस एज वेल कि वी आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट दैट वी आर सेलिंग करेंटली बट वी हैव टू कंसर्न्स इन द पर्टिकुलर प्लान एंड बाय मेकिंग चेंजेस इन द सेल्स स्क्रिप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्लान द प्रोडक्ट कैन बी मेड मोर इफेक्टिव फॉर बोथ द कंपनी फॉर बोथ द कंपनीज एंड ऑल द पॉजिटिव दैट वी हैव तो वो एक जिस्ट में लिख सकते हैं कि हाँ दिस विल इनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान एंड देन जब हम एक्सप्लेन करेंगे उस टाइम पे वी कैन एक्सप्लेन इट पॉइंट वाइज हाँ वो तो ऑब्वियसली पॉइंट वाइज, बट इफेक्टिवनेस की जगह पे बी मोर एक्यूरेट इंस्टेड ऑफ इफेक्टिवनेस राइट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्योंकि ओके हमें यहाँ पे एक चीज मेंशन्ड था दैट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू क्लियरली कम्युनिकेट हाउ द बेनिफिट्स आउटवे द लो, फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो ये एक चीज को हमें बार बार हाईलाइट करना है. एंड यू नो CP3 में पेपर में ऐसा होगा बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी आर नॉट इन टू द हैबिट ऑफ राइटिंग, राइट. तो इसमें ऐसा होगा कि हमें एक चीजों को बार बार, जैसे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हमें 2-3 बार बताना पड़ेगा कि वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ताकि उनके दिमाग में वो बैठ जाए बात कि हाँ इट इज इंक्रीजिंग. बिकॉज सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, देखो 10% से 8% हो रहा है. एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट माइट बी रिड्यूस, शॉर्ट टर्म सेल्स माइट बी रिड्यूस, बट लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट काफी सही है, ये लिखा हुआ है. तो वी हैव टू इनडायरेक्टली टेल देम दिस 2-3 टाइम्स ताकि उनको ये माइंड में बैठ जाए कि हाँ रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. सो ये डायरेक्टली वी हैव टू टेल देम इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड इफेक्टिवनेस. अदरवाइज व्हाट यू सेड वाज एब्सोल्युटली फाइन, मतलब सही था एकदम दैट वी आर हैप्पी विद दिस. एंड पर हैप्पी हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया दैट वी आर ग्लैड एंड वी आर एक्साइटेड. स्टिल हाँ, अगर उसके साथ ही लिख रहे हो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली फाइन, एकदम सही बोला. ठीक है. सो हाँ, यहाँ पे हम लोग फिर से लिख सकते हैं. तो एक हम लोग जस्ट यू नो इसके बारे में बता सकते हैं कि ये जो फ्यूनरल इंश्योरेंस प्लान है हमारा, दिस इज अ सिंपल येट अ रेलिवेंट प्रोडक्ट
ऐसे बोल सकते हैं विच इज टू बी क्रिएटेड एंड सोल्ड बाय बोथ ऑफ अस, ये लिखा हुआ था ना यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ था विच इज क्रिएटेड एंड सोल्ड बाय, देखो by both of us, the costs will be shared by both of us. So यहाँ पे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा yet a relevant product which is to be sold and sorry created and sold लिखते हैं, created and sold by both the companies. जो ऑब्वियस रहेगा बट तभी ये कम्युनिकेशन है कि आपको ये पूरा चीज को एक समर एक तरीका होता है ना बोलने का, जैसे कि हाँ मुझे पता है कि आई विल टेक अ CP3 क्लास टुडे, इन द ग्रुप में मैंने ऐसे क्या लिखा कि tomorrow we have CP3 class. मैं अगर कभी ऐसा लिखती हूँ, it's obvious कि मैं अगर CP3 के group में लिख रही हूँ तो just the way of saying कि हाँ हम लोग एक product launch कर रहे हैं, ये simple है, relevant है, तो ये सारा उनको पता है, but everything they don't, but हम एक होता है ना कि एक तरीका होता है बोलने का, so just that, ऐसा काफी बार होगा. एंड कभी कभी क्या होता है ना, जब हम लोग पॉलिसी होल्डर को स्पेशली लिख रहे होते हैं, समवन हु इज यू नो वेरी वेरी लेमैन, तो हम लोग को एक ही सेंटेंस को दो तीन तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है. सो अगेन यू विल फील इफ यू रीड द पेपर्स, इफ यू रीड पास्ट आंसर्स, तो आपको लगेगा कि सेम चीज को बार बार बस अलग अलग लैंग्वेज में लिख दिया उन्होंने, तो वो करना पड़ता है हमें, क्योंकि जस्ट टू यू नो एक्सप्लेन आर साइड करना पड़ेगा. दिस इज, ये एकदम सही बात है कि हाँ दिस इज समथिंग विच दे नो, बट स्टिल यू हैव टू राइट इट डाउन, यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन. Okay, so basically all the information that we have should be on paper in some way or other. Right. No, not wrong. Not all the information. We actually have to filter out a lot of information. बहुत सारी information filter out करने हैं. But एक basic paper को एक basic structure देने के लिए हमें starting में ऐसा कुछ-कुछ लिखना पड़ता है. You know, if you are writing it to a new, suppose कोई new employee आता है, उसको company के बारे में already काफी कुछ पता है. But still you are writing something or the other for the company that we hear at, suppose ABC में कोई एक नया employee आया है, हम लोग को उसको लिखना है, तो उसको पता है already सब कुछ, but हम लोग लिखेंगे कुछ कुछ चीजें that we believe in maybe honesty and जो भी कुछ भी एक दो line you are just writing about the company, ताकि क्योंकि एक new employee आया तो आपको company को अच्छे books में रख के आपको बता रहे हो आप company के बारे में, so this is something which we do. Which we will have to. Okay, got it. ठीक है. अगर आप इसको नहीं भी लिखो चाहते ना, आपका ऐसा नहीं कि marks deduct होगा somewhere, but अगर आप लिखते हो तो you will definitely get some marks. Deduct तो नहीं होता, but you will get some marks for it. Introduction में. Introduction का 3-4 marks होता है. तो ये पूरे जो हम लोग अभी लिखने वाले हैं, उसका पूरा 3-4 marks होगा. तो मैंने जो चार चीजें बोले हैं, first कौन लिखता है letter, किसको लिख रहे हो, किसको एड्रेस कर रहे हो, एक स्टार्टिंग लाइन, एंड देन यू टॉक अबाउट कि आपका आपकी लेटर में आप क्या लिखने वाले हो. सो दिस इज द स्टार्टिंग लाइन बेसिकली, ये वाला और ये वाला, कि ना हम लोग ABC फ्यूनरल प्लान के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे एक स्टार्टिंग लाइन हो गया, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग कि आप क्यों लेटर लिख रहे हो. सो यहाँ पे वी कैन राइट जैसे कि देर आर टू कंसर्न्स विच वी हैव, सो वी कैन राइट टू concerns put forward, जैसे आपने बोला put forward by the management लिख सकते हो, या फिर आप जैसे चैतन्य was telling कि you put forward by us at ABC Insurance, या फिर you can write it we at ABC Insurance have two concerns, कैसे भी आप इसको frame कर सकते हो, it's upon you, by the management of the ABC Insurance. ठीक है, एंड देन यू से व्हाट इज द कंसर्न अबाउट, ये भी हमें लिखना है. सो वी कैन से दैट द कंसर्न इज अबाउट द सेल्स स्क्रिप्ट, जो डायरेक्ट मार्केटिंग वाले लोग यूज करने वाले हैं, एंड ये चेंजेस की वजह से क्या होगा, जस्ट दैट, क्योंकि चेंजेस को इलैबोरेट हम लोग
आगे के सेक्शंस में करेंगे. एंड व्हाट एल्स वी कैन डू, इफ यू वांट टू हाईलाइट दिस वी कैन हाईलाइट दिस टू कंसर्न्स आल्सो. इससे एक पता चल जाएगा कि हाँ नाउ इन CP3 आपको सब ऐसे वर्ड्स को नहीं हाईलाइट करना, जस्ट पूरे पेपर में एक या दो वर्ड्स को आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो. यू आर जस्ट हाईलाइटिंग दिस टू कि इससे एक पता चले कि हाँ दो चीज है मेजरली जिस पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे अपने पूरे पेपर में. राइट, यू कैन हाईलाइट और यू कैनॉट, इट्स अपॉन यू, बट इट लुक्स गुड इफ यू हाईलाइट दिस. सो इट इज अबाउट, यू कैन से इट इज अबाउट द प्रपोज्ड सेल स्क्रिप्ट टू बी यूज्ड बाय, यहाँ पे लिखा हुआ था देखो ये वाला चीज in the exam paper it was written I have attached my recommendations in the sales script. There are some proposals, ye pura yahan pe likha hua hai dekho. I have two concerns with how the sales machine team have drafted the script for our telephone sales staff to be used when marketing the new funeral plan. To yahan pe we are just taking some of the words yahan se and we're just putting it down that there are two concerns. It is about the proposed sales script bhi likh sakte ho ya khali script bhi likh sakte ho, to be used by for direct marketing to the customers over telephone. To ye samajh mein aa jayega ki ha jo telephone sales script hai usme hame changes karne hain over the telephone. Okay, and then just one line, jaise maine bola that these changes will not only increase the total revenue but also the profit before tax for the plan or for the project. ठीक है, जैसे चैतन्य ने effective बोला, instead of writing effective, we are keeping it very specific and हम लिख रहे हैं कि profit before tax of the project. So this is the basic introduction. Now what you could have done is instead of writing introduction यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको पूरे को एक पैराग्राफ एक सेक्शन के जैसे बना सकते थे एंड देन यू कैन मूव टू योर नेक्स्ट सेक्शन. ऐसे भी यू कैन डू और यू कैन जस्ट चूज दिस वे ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन एंड बोथ आर फाइन, दोनों में आपको इक्वल मार्क्स मिल जाएगा. राइट, सो ऑलवेज रिमेंबर यू कैन राइट इट डाउन. स्टार्टिंग में चार चीज होने चाहिए, कौन प्रिपेयर करे, किसको एड्रेस करें, अ बेसिक स्टार्टिंग लाइन कि what is the, you know, all the letter about. अगर एक पॉलिसी होल्डर है तो उसके बारे में हम लोग बोलेंगे कि हाँ वी नो वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स अबाउट द प्रीमियम बीइंग चार्ज्ड एंड देन यू एक्सप्लेन कि आपके पेपर में आप क्या लिख रहे हो या फिर आपके लेटर में आप क्या लिख रहे हो. सो दिस इज समथिंग एंड यू गिव अ पॉजिटिव एस्पेक्ट टू इट कि एक हाँ अगर आपने कुछ मिस्टेक सच्ची में करा हुआ है प्राइसिंग में, अगर आपने सच्ची में एक मिस्टेक करा हुआ है तो इन दैट केस यू विल राइट दैट वी एक्सेप्ट दैट देयर वाज अ मिस्टेक बट द मिस्टेक हैज नाउ बीन करेक्टेड एंड वी अश्योर यू दैट देयर आर नो फर्दर मिस्टेक्स मेड इन द न्यू प्राइसिंग दैट वी हैव लॉन्च्ड. तो ऐसे कुछ एक पॉजिटिव नोट हमेशा रखना है आपको दैट इवन इफ यू हैव मेड मिस्टेक यू आर एक्सेप्टिंग इट एंड एट द सेम टाइम यू आर सेइंग दैट यू हैव यू नो करेक्टेड इट एंड यू आर प्रिटी श्योर कि अभी आगे जाके कोई मिस्टेक नहीं है. तो ये पूरा एक तरीका होता है यू नो जस्ट पुट फॉरवर्ड योर कम्युनिकेशन. क्लियर, इसके बाद ना अब हम लोग एक्चुअली दो तीन सेक्शंस डाल सकते हैं. नाउ यू ऑल विल टेल मी सो व्हाट डू आई थिंक इज दो कंसर्न है तो हम दोनों कंसर्न का लिख सकते हैं पहले तो कि क्या क्या दो कंसर्न है हमारे एंड व्हाट आर द चेंजेस वी आर प्रपोजिंग एंड इसके वजह से क्या होगा. तो सपोज यहाँ पे हमने पहले प्री क्वालिफाइंग क्वेश्चन फाइनेंशियल नीड बोला इसके वजह से ये चेंज होगा. तो ये एक आ गया एक पैराग्राफ मतलब एक सेक्शन में. एक सेक्शन में यू कैन राइट टू थ्री लाइन्स नो प्रॉब्लम, टू थ्री पैराग्राफ्स एंड देन दूसरे सेक्शन में वी कैन टॉक अबाउट द बेसिक
मेडिकल क्वेश्चन कि हम क्यों पूछते हैं, क्या जरूरत है इसको पूछने का, एवरी ऑल ऑफ दैट चेंजेस आप क्यों प्रपोज कर रहे हो, क्या चेंजेस है एंड क्यों प्रपोज कर रहे हो एंड उसके वजह से क्या होगा. सो थ्री थिंग्स कि चेंज क्या है, क्यों प्रपोज कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन ऑफ द चेंज एंड लास्टली उस चेंज की वजह से क्या अफेक्ट होगा. तो ये दो कंसर्न्स हो गए. बट आफ्टर दिस यू ऑल्सो हैव टू टेल देम कि आपका ये रिड्यूस हो रहा है, सेल्स नंबर रिड्यूस हो रहे हैं और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं. ये आपको बताना पड़ेगा फॉर श्योर, जो आप एक थर्ड सेक्शन में ऐड कर सकते हो. एंड इसके बाद यू विल ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन देम दैट इवन इफ दिस इज हैपनिंग इन द लॉन्ग टर्म द रेवेन्यू विल इंक्रीज. राइट नाउ यू कैन ऑल्सो शो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यूजिंग ग्राफ. दो से ज्यादा ग्राफ नेवर यूज इट इन योर CP3 पेपर. If you're using three graphs, then that's the ultimate. Like three graphs, हम लोग कभी use नहीं करते, हम two graphs maximum use करते हैं. अगर three graphs बन रहे हैं, then it's still fine, चलो ठीक है use कर लिया. But never try to use more than two graphs. ठीक है. So you all will decide कि graph कहाँ पे क्या use करना है. मेरे ख्याल से revenue and profit before tax. इन दोनों का ग्राफ डेफिनेटली डालना चाहिए बिकॉज ये दो चीज है जिससे मार्केटिंग कमिटी बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है. तो हमें बिफोर आफ्टर वाला चीज एज अ कॉलम चार्ट पर्टिकुलरली डालना चाहिए कि पहले क्या प्रॉफिट था, रेवेन्यू था और अभी क्या प्रॉफिट है. अगेन इफ यू ऑल रिमेम्बर हमारे पास 20 ईयर्स का डेटा है, नेक्स्ट 20 ईयर्स का. तो कितने टाइम तक का, सॉरी वी हैव डेटा फॉर 5 ईयर्स, 60 मंथ्स था. We have data for 5 years. So, आप लोग के ऊपर है कि how do you want to represent? Do you want to take the last 5 months? Do you want to take it yearly? Do you want to take it quarterly? Just that don't overcomplicate things. Graph in CP3 should be very very simple. ठीक है. So now today आज हम लोग इतना ही करेंगे. But we'll discuss कि हम लोग first section में at least क्या लिखेंगे. First section is about this financial need वाला, I think. हाँ. Financial need वाला है first section. कि we are asking that firstly we are in the script should include some pre-qualifying questions early on the telephone call to ensure that the customers have financial need. This will filter out the customers who are most likely to lapse their policy due to poor product fit. हो सकते हैं they are very well off. उनको ये funeral plan चाहिए नहीं, but just because हमने force किया they have taken the product, but later on they have realized and they are actually lapsing the policy. तो ये हमें उनको बताना है कि हमें समझाना है properly. So चैतन्य और लक्ष्य you all try and फिर हमें ये भी बताना है कि इसका effect क्या होगा. इसका effect ये होगा कि the lapse rate will reduce. So you all tell me कि हम लोग कैसे लिखेंगे इसमें. You all can tell it in Hindi only कि क्या लिख सकते हैं. And again बहुत easy language. एंड बार बार एक चीज को समझा के जो आपको लग रहा है कि ये बहुत ऑब्वियस है, ये उनको पता होना चाहिए, स्टिल वी विल एक्सप्लेन दोस पॉइंट्स टू देम. बताओ हाउ शुड वी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेक्शन. सो डू वी हैव टू लाइक you know tell first of the concern out of the two, then we say that what will be the effect of this concern, how will they it increase the profits and all, then we move on to second concern. And profits ka to pura all together hai na, to wo baad mein karenge. First we'll talk about the first concern ki kya hai, kyun we are trying to propose this change, what is the reason and what change it will lead to, which is this lapse rate wala thing. And then we can talk about the second change ki kya hai, kyun kar rahe hain, what change it will lead to, your loss ratio wala. And third section mein we can talk about the financial impact of these two changes together. And zaruri nahi ki unko ye sab cheez samajh mein aaye, zaruri nahi unko lapse rate samajh mein aaye. So you also have to explain ki lapse rate ka meaning kya hai, right? Or lapse rate can be a jargon for them. क्योंकि ये जो स्प्रेडशीट है ये जरूरी नहीं कि मार्केटिंग कमेटी ने देखा है. तो लैप्स रेट आपको नहीं पता, तो आप जब आप कोई चीज के लिए श्योर नहीं हो कि उनको पता होगा कि नहीं, सो डोंट यूज दिस वर्ड.
So instead of lapse rate, what can you say? Like what you can explain it in a line. Try karo. Basically, what is lapse? कोई किसी ने विड्रॉ किया या फिर किसी ने डिसकंटिन्यू किया अपना राइट तो यू कैन राइट दैट द प्रोपोर्शन जैसे परसेंटेज है सो द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल और द पॉलिसी होल्डर्स हु डिसकंटिन्यू देयर प्रोडक्ट एवरी मंथ दिस इज 10% राइट मतलब अब उनको और अच्छे से समझाओ और अच्छे से बट ये हम लोग के लिए बहुत ऑब्वियस है दैट इफ दे आर डिसकंटिन्यूइंग देयर पॉलिसी मतलब कि दे विल स्टॉप पेइंग द प्रीमियम तो ये उनको बोलना है कि दे विल स्टॉप पेइंग द प्रीमियम एंड इफ दे स्टॉप पेइंग द प्रीमियम जो रेगुलर मंथली इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगा राइट क्लियर ये चीज बोलना है हमें व्हाट एल्स अब यू विल एक्सप्लेन कि फाइनेंशियल नीड क्यों पता लगाना है आपको पहले तो आप ये बोलोगे कि क्या करते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है अगर यहाँ पे आपने रीड किया है आप लोग नेक्स्ट क्लास के पहले फिर से रीड करना जो ये प्रोडक्ट है दिस प्रोडक्ट एक्चुअली प्रोवाइड्स यहाँ पे लिखा हुआ था इट प्रोवाइड्स इमीडिएट कैश ऑन डेथ टू कवर द फ्यूनरल एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस राइट सो द पॉलिसी होल्डर शुड हैव अ फाइनेंशियल नीड टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर पॉलिसी अ पॉलिसी इज टर्मिनेटेड कब जब पॉलिसी टर्मिनेट अगर होता है तो फ्यूचर प्रीमियम उससे नहीं मिलते विच लीड्स टू अ लॉस विच लीड्स टू अ डिक्रीज इन द रेवेन्यू राइट सो टू अवॉइड दिस हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर्स का एक्चुअली फाइनेंशियल नीड है कि नहीं एंड प्रोडक्ट का फीचर्स और फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंज्यूमर मीट मैच हो रहा है कि नहीं प्रोडक्ट के फीचर्स जो ये फीचर्स है हमारे एंड जो कस्टमर का फाइनेंशियल नीड है वेदर दिस टू थिंग्स आर मीटिंग और नॉट एंड इफ इट इज मीटिंग तो कैसे हम पता लगाएं कि ये मैच हो रहा है कि नहीं वी हैव टू आस्क देम अ फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग देयर यू नो फाइनेंशियल इनकम अब ये क्वेश्चंस आप थोड़ा बहुत एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ से ले सकते हो जैसे कि क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज देयर रेगुलर इनकम डू दे हैव एनी डिपेंडेंस और नॉट सो दीज आर ये एग्जाम्पल आपने आप पूरा नहीं लिखोगे यू डोंट हैव टू राइट दिस इंटायरली यू कैन जस्ट से सम ऑफ द थिंग्स लाइक उनका रेगुलर इनकम है कि नहीं डू दे हैव एनी डिपेंडेंस और पेरेंट्स और स्पाउस जस्ट एक दो एग्जाम्पल दिया जिससे कि वी विल अंडरस्टैंड दैट वेदर दे हैव दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल नीड और नॉट सो वॉट अब ये हो गया आपने बताया कि आप क्यों चेंज कर रहे हो आपने पूरा समझा दिया कि फाइनेंशियल नीड क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे प्रीमियम बाद में नहीं मिलता प्रीमियम नहीं मिलेगा तो लॉस होगा तो ये आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया लैप्स क्यों होता है बिकॉज फाइनेंशियल नीड में भी नहीं है देन आफ्टर यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट से दैट क्या होगा इससे क्या होगा कि ऐसे लोग ऑलरेडी फिल्टर आउट हो जाएंगे जिनका फाइनेंशियल नीड विल नॉट मैच विद आवर प्रोडक्ट Right, and then you put forward that we have estimated that in sub questions ke wajah se, the proportion of people who are discontinuing their policy every month will decrease from 10% to 5%, which is exactly half, right? Which is exactly half. So this means that more policy holders each month will continue to pay premiums as compared to in our previous case. अब इसमें से बहुत कुछ ऑब्वियस थे कि ना प्रीमियम तो ऑब्वियसली पता है कि वो नहीं देंगे बट यू हैव टू टेल देम टू द पीपल हु आर यू नो एक तरीका से आप समझा रहे हो उसको कि उनको भी लगेगा कि हाँ दे विल कनेक्ट द डॉट्स कि हाँ अगर लैप्स करेंगे तो प्रीमियम नहीं मिलेगा तो रेवेन्यू रिड्यूस होगा बट अब अगर लैप्स रेट डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली मोर एंड मोर पीपल विल कंटिन्यू देयर पॉलिसी एंड दे विल कंटिन्यू टू पे द प्रीमियम्स इन फ्यूचर मंथ्स ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा सो व्हाट यू ऑल डू इज आप लोग अभी वी विल हैव द क्लासेस नाउ रेगुलरली व्हाट हैपेंड एक्चुअली इज दैट यस्टरडे आई हैड अ वर्कशॉप तो मैं नहीं ले पाई थी क्लास सो वी विल हैव इट ऑन सैटरडे एंड संडेज बिफोर कमिंग टू कमिंग सैटरडे जो हमारा है कमिंग क्लास उसमें प्लीज ट्राई टू राइट डाउन इट विल टेक यू मे बी जस्ट हाफ एन आवर ही लगेगा ट्राई टू फ्रेम एंड 100-150 words maybe maximum आप लोग use कर सकते हो to write down this first section and try to write it down कि कैसे आप लोग मैंने already आप लोगों को points बताया तो and then we'll discuss it in the next class पूरा
एंड वी विल राइट इट डाउन. ठीक है, मैंने आप लोग को एक फ्रेमिंग दे दी, एक आइडिया दे दिया, आप लोग लिखो तो क्या होगा उससे आप लोग को भी आइडिया लगेगा. Yeah, actually, I have an input over here to give. In the paragraph jo hum decide kar rahe the abhi, usme can we start like this, that we at the management, depending upon the features that we have of that particular product, we believe that it's better to get a particular targeted audience, because agar wo nahi karenge and we sell this product to all the people who are there jinka financial need nahi hai, then lapse can happen. Matlab lapse na bol ke ye number of withdrawals would increase, and that's why we believe that a particular target audience should be there, and uske baad usse jo humne solution propose kiya hai ki targeted audience ke liye hum ye questions pooch sakte hain during our calls, and uske baad jo humne usse socha hai ki ye cheeze usse affect hongi if we do this, can we write like this? हाँ, बट मेक श्योर दैट आप ज्यादा लैप्स रेट, डोंट यूज लैप्स रेट, इट्स अ जार्गन, ठीक है, मत करो यूज, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि उनको समझ आएगा कि नहीं. ये एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट कि जब तक यू डोंट राइट इट डाउन ना, तब तक नहीं समझ में आएगा. व्हेन यू एक्सप्लेन तब सही है, आप एक बार लिखो तो उससे क्लैरिटी भी आएगा. यू राइट इट डाउन चैतन्य पूरा, एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल रीड योर दिस थिंग. ठीक है, ओके, एंड ट्राई टू डू द सेकेंड वन, सेकेंड वाला ऑल्सो. मैंने अभी फर्स्ट वाला समझाया, उसी सेम तरीके से ट्राई टू डू फॉर मेडिकल क्वेश्चंस, कि क्यों हम लोग मेडिकल क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे इस पे, एंड द सोल रीजन वो 24 आवर्स वाला जो रीजन है वो भी समझाना. ठीक है, तो ये अच्छे से ट्राई करना, ये दो सेक्शन लिखने का. वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, या ऑल राइट, ओके. Okay. Anything else you all want to ask?